स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.7 फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देयर आर 25 सेक्शन इन ए स्कूल। एक स्कूल में 25 सेक्शंस हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट स्कूल इज 1025। इस स्कूल में जो है 1025 स्टूडेंट्स हैं। If there are equal number of student in each section, प्रत्येक सेक्शन में स्टूडेंट की संख्या जो है क्या है, नंबर वो इक्वल है, समान है। Find the number of student in each section, प्रत्येक सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो ध्यान से देखिए टोटल सेक्शंस कितने हैं, 1025 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1025 है और टोटल सेक्शंस कितने हैं 25 सेक्शंस हैं। तो हमें क्या करना है, टोटल सेक्शन टोटल स्टूडेंट दिए गए हैं और टोटल सेक्शन दिया गया है, तो टोटल स्टूडेंट को टोटल सेक्शन से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लियर हो जाएगा। सुन में आ गया, अब ध्यान से देखिए, अगर स्टेटमेंट करके हमें करना हो तो हम यहाँ स्टेटमेंट बना सकते हैं, टोटल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इक्वल टू 1025। फिर नीचे कर लेते हैं टोटल सेक्शंस टोटल सेक्शंस इज इक्वल टू 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट इन ईच सेक्शन ईच सेक्शन इक्वल टू 1025 डिवाइडेड बाई 25। क्लियर है, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है जो लिखा गया दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन और स्टेटमेंट में ही पूरा बोल्ड है, फुल हो गया है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आप समझ ही गए हैं तो क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं और यहाँ पर साथ में बता देते हैं। ध्यान से देखिए, ऐसे आप स्टेटमेंट करेंगे और लास्ट में हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। लेकिन जब भी आप डिवाइड करिएगा तो क्वेश्चन स्टेटमेंट के नीचे ही करिएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है। इस बेस पे हम जो है यहाँ बोर्ड पे साल करवा देते हैं, ऊपर करवा देते हैं। तो आप कर लेते हैं 1025 डिवाइडेड बाई 25 का टेबल 102 में पढ़िए, क्या जाएगा 4 जा जाएगा, 25 4 जा 100 4 जा 100 102 माइनस 100 इक्वल टू 2। फिर नीचे 5 का लेंगे 25, अब क्या जाएगा 1 जा जाएगा, हो जाएगा 25 27 के लगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आ गया 41। सुनना गया, तो आप सभी को ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। हम आप सेकंड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा देते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया उसको हम आपको बता देते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, कॉस्ट ऑफ 15 बाइसिकल सीज है 24,405। क्वेश्चन डिनोट कर दिया जाए, कर देता हूँ छोटा सा क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 15 बाइसिकल इज रुपीज 24,405 दिया है। फिर फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बाइसिकल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बाइसिकल। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, द कॉस्ट ऑफ 15 बाइसिकल्स इज 24,405। करेक्ट, 25 बाइसिकल्स की कॉस्ट 24,405 है।
फाइंड द कॉस्ट वन बाय स्किल की कॉस्ट फाइंड करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम ऐसे ही स्टेटमेंट बना सकते हैं। यहाँ पे हम क्या स्टेटमेंट बना लेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ 15 बाय स्किल इक्वल टू रुपीज 24,405। यहाँ पे फिर डिसी कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ वन बाय स्किल बाय स्किल इक्वल टू। आप बताइए हम 15 की कॉस्ट की 15 बाइसिल की कॉस्ट 24,405 है, तो 1 की क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, लेस देन होगा या मोर देन होगा, तो क्या होगा, लेस देन। जब लेस देन होगा तो हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 24,405 डिवाइडेड बाय 15 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 24,405 डिवाइडेड बाई 15 से करिए, 24 में करेंगे मंजा ले जाएंगे, हो जाएगा 15। सब टाइप करते हैं, 4 से 5 लिख लेंगे और निकाल लेंगे 14 माइनस 5 9 यहाँ 0। फिर नीचे उतार लेंगे, फिर 15 का टेबल 94 पड़ेंगे तो क्या जाएगा, 16 ले जाएंगे 15 6 90। यहाँ 4 बच जाएगा, फिर 0 उतार लेंगे, फिर क्या ले जाएंगे, 2 ले जाएंगे। यहाँ 1 बच जाए, यहाँ 1 बच जाए, यहाँ 0 10। फिर लास्ट में हम 5 उतार लेंगे, अब क्या जाएगा, 7 ले जाएंगे। क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या जाएगा, 1627। क्लियर है, ये 1 बाय की कास्ट हो जाएगी। तो आप सभी एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए।